हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है स्कूल ऑफ अपर लर्निंग यानी कि ड्यू SOL, ठीक है, चाहे फिर वो OB ही हो और असाइनमेंट की गाइज हमारे पास है, ठीक है। तो आप दोनों ही इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहिएगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे और नोटिस वाले सेक्शन में पहुँचेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइज, देखिए नोटिफिकेशन प्रोसीजर फॉर रिएक्टिवेशन ऑफ रिलेटेड विद OB, ठीक है गाइज। हम इस नोटिस को सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पहला नोटिस ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। टाइम लग जाएगा, ठीक है गाइज। मैं इस पूरे नोटिस का आपको डायरेक्ट लब्बू लोहान जो है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है गाइस। तो भाई सबसे पहले देखिए इस नोटिस में क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद, ठीक है गाइस, 15 तारीख के बाद हाई कोर्ट, जो 15 तारीख को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसके बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU ने रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया गया है। पहले ये गाइज आपके MA के रिजल्ट, जैसे जो PG के कोर्सेज हैं MA MCOM उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं उन पर्टिकुलर कोर्सेज के, जैसे MA पॉलिटिकल ऑनर्स, MA इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है गाइज, आप इससे लगा सकते हैं MA हिंदी, ठीक है। तो ये पहले उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर भाई जो मतलब अभी तक इन्होंने जितने के भी रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं उसमें अगर किसी की रिपोर्ट कार्ड में अगर उनने वो एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम की जगह उनका लिखा है एब्सेंट, ठीक है, जैसे उस जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पर लिखा है एब्सेंट और आपके नंबर नहीं चढ़े, तो इन्होंने क्या कहा गाइस, आपको एक आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है। एक एप्लीकेशन के साथ आपको अपने और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं आपके, ठीक है, वो और आपको एक एप्लीकेशन लिखने के साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट जो आपने वो गाइस जो अपने आंसर शीट सेंड की थी GC email ID पे, ठीक है, आपको वो चाहिए। इन तीन चीज़ों के साथ आपको अपना SOL नॉर्थ कैंपस जाना होगा या फिर साउथ कैंपस जाना होगा 10 बजे से 1 बजे तक। आप रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10 दिन बाद आपको ये करना होगा, अगर आपका एब्सेंट लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे जाके वो एप्लीकेशन जमा करनी होगी, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट दोबारा से अपडेट किया जा सके। और इन्होंने इसमें वीडियो में इस नोटिस में तो यही बताया गया है कि इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। अभी ये PG का डिक्लेयर कर रहे हैं, आने वाले समय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के भी ये डिक्लेयर कर देंगे और मुश्किल मुश्किल से ज़्यादा अक्टूबर का ही महीना जाएगा रिजल्ट में OB एग्ज़ाम की। ये तो बात हुई ओपन बुक एग्ज़ाम की, ठीक है। इस नोटिस वो लेके प्रिंट आउट निकलवा के उसका तीनों को जमा करते हैं वहाँ पे और उनका जो अपडेट है वो रिजल्ट हो जाएगा और आपका वो अपना न्यू रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब असाइनमेंट की अपडेट बात कर लेते हैं। तो भाई असाइनमेंट का तो रिजल्ट कंफर्म माना जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में ही असाइनमेंट वालों का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा, तो उन्हें पेशेंस बनाए रखना है। अक्टूबर आ चुका है, अब इतने दिन पेशेंस बनाए तो 20-25 दिन और सही, क्योंकि वैसे भी इनको वाइज इतना समय हो चुका है, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया, मोर देन 2 मंथ्स जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा। पर जितनी पॉसिबिलिटी है मतलब 99.9% जो आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आ रहा है, ठीक है, असाइनमेंट वालों का, ठीक है गाइस, फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का। और जैसा मैंने बताया 3rd ईयर का तो इन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। तो यही अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पर जो भी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।